पंजाब पुलिस ने लॉरेंस गैंग के दो गुरगेरन किया गिरफ्तार। दोवां मुलजमां खिलाफ कतल ते फिरौती समेत कई केस हैं दर्ज। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी दियां पुरानियां तस्वीरां कीतियां सांझियां। लिखिया, वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। सीएन पछाते चोरों ने लुधियाना च वड्डी वारदात नूं दित्ता अंजाम। लखां दा कैश लैके होए फरार, घटना सीसीटीवी च कैद। दोस्तों ने लई अपने ही जिगरी यार दी जान, मापे अन्ने ते जनवरी च सी विआह। 24 साल दे मनप्रीत वजो होई मृतक दी पहचान। आ पंजाब कार्यकारी प्रधान शहरी कलसी दा बयान, नौजवान इत्थे रह के मेहनत करन तां कामयाबी जरूर कदम चुमदी है। मोगा च विआह समागम दौरान हवा च कड्डे फायर, मोढ़िया ते बंदूकां रख नौजवान डीजे ते पा रहे सन भंगड़ा। वीडियो वायरल होने तो बाद पुलिस ने नौजवानों खिलाफ मामला किया दर्ज। दुकान तो पानी पीना गरीब बच्चे नूं पिया महंगा, दुकानदार ने की बेरहमी नाल कुटमार, सीसीटीवी ने उड़ाए होश। पुलिस ने मामला दर्ज कर कीती पुछताछ। साबका विधायक जोगिंदर पाल जैन दा देहांत, लंबे समय तो चल रहे सी बीमार। अज तड़कसार संसार नूं आ गया अलविदा। तीन बार मोगा तो विधायक रहे जोगिंदर पाल जैन, दो बार कांग्रेस पार्टी तो एक बार श्रोमणी अकाली दल तो बने सी विधायक। 18 साल की विद्यार्थी शक्की हालातों च लापता करो गई सी सहेली नूं मिलन, तीन दिन बाद भी नहीं मिलिया सुराग। दरिया नेड़े प्रवासी पंछियों ने लाए डेरे, सतलुज का प्रदूषित होना चिंता का विषय। कौमी वैटलैंड ऐलानिया गया इलाका। प्रेम मंदिर वृंदावन के संस्थापक जगत गुरु कृपालू महाराज दी बेटियां दी कार नूं यमुना एक्सप्रैस वे ते तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे च उन्हां दी एक बेटी दी मौत हो गई ते दो होर बेटियां दा दिल्ली दे इक निजी हस्पताल च चल रहा इलाज। मामले च मुलजम ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। लोकसभा सांसद ते भोजपुरी अभिनेता रवि कृष्ण ने बुधवार नूं नवी दिल्ली च उत्तर प्रदेश दे संभल च वापरी घटना ते दित्ता बयान। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं रवि कृष्ण ने कहा कि संभल कांड योजनाबंद सी, स्थानक मुस्लिम भाईचारे दे आगू जवाबदेह बन गए। वायनाड तो जिद्दा प्रमाण पत्र लैण मगरों विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने अपनी भैन ते चुनी गई संसद मैंबर प्रियंका गांधी का करवाया मोह मिठा। जम्मू कश्मीर के साबका वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की अज बरसी, इस मौके लोगों ने उन्होंने श्रद्धांजलि की। फिर श्रीनगर च एक समागम का किया गया आयोजन जिस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की शिरकत। चोन जितन मगरों दो दिन वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, 3 नवंबर को पहुंचे वायनाड से, 1 दिसंबर को करेंगे रोड शो, 28 नवंबर को संसद मैंबर वजो सहु चुकन मगरों ये उन्होंने पहला दौरा होगा। संसद च होया भारी हंगामा, विरोधी धिर ने कार्रवाई शुरू होने ही अंडानी संभल से मणिपुर के मसले से किया जबरदस्त हंगामा। हंगामे कारण लोकसभा से राज्यसभा की कार्रवाई कल तक मुलतवी। सीबीआई ने हिमाचल के बद्दी तो ईपीएफओ कमिश्नर और इनफोर्समेंट अफसर को किया गिरफ्तार। सैल्फ चैक से रिश्वत मंगन दे लगे दोष। दिल्ली के साबका मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा की मैंबरशिप तो इस्तीफा दे दिता है। विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने अपना इस्तीफा भेज दिता। तो दस दी कि हाल ही च आप तो इस्तीफा देकर भाजपा च शामिल हुए। महाराष्ट्र च मुख्यमंत्री दे अहुदे नूं लै के चल रहे सस्पेंस हुण खत्म होने के नारे ने एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं कहा कि तुसीं जो भी फैसला लोगे मैं उस फैसले नूं स्वीकार करांगा। भारतीय रेलवे ने एक वड्डा कदम चुकया है जिस नाल ड्राइवर दूरों ही रेलवे क्रॉसिंग देख सकणगे। इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिता है। लोक संपर्क अधिकारी अनुसार रेलवे क्रॉसिंग नूं हुण सूरज ऊर्जा की बजाय बिजली नाल चलाया जाएगा। बंगलादेश के हिंदू संगठन इस्कान को लेकर हाई कोर्ट च पटीशन दायर की गई है। इस पटीशन च इस्कान से पाबंदी लगाने की मांग की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड की स्थापना और इंडो पैसिफिक खेत्र के संबंध में इसकी प्रगति को पूरी दुनिया लिए महत्वपूर्ण विकास करार दिता है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक इस समय बड़ी तब्दीलियों का अनुभव कर रहा है। पाकिस्तान में चल रही मौत और हिंसा की खेड हुण खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। अमरीका के चुने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमरीकी विज्ञानी जय भट्टाचार्य नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर चुने। बंगलादेश इस्कान के मुखी चिन्मोय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बंगलादेश सरकार की आलोचना हो रही है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर ढाका च लगातार हंगामा हो गया।
ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के नवे राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह अगले साल 20 जनवरी को सहुं चुकणगे, पर इस तो पहला वह अपनी टीम बनाने में रुझे हुए हैं। अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस तो अपनी सरकार चलाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार रिहायश नाल एक समझौता पत्र से दस्तखत किए हैं। हिजबुल्ला ते इजराइल विचाले चल रही जंग च इजराइल ने लेबनान की राजधानी बरूत से हुण तक की सब तो वड्डा हमला किया। बैंक ऑफ चाइना के साबका चेयरमैन लियू लियांग को भ्रष्टाचार से गैर कानूनी तौर पर कर्जा जारी करने का दोषी पाए जाने तो बाद मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। हिम्मत संधु ब्याह कराने बाद लगातार ले रहे ने शोज, फैंस भी दे रहे हैं प्यार। हिमांशु खुराना ने जन्मदिन मौके केक काटते हुए साझे की तस्वीर, फैंस ने भी दी बधाई। गायक जनी ने अपने बेटे शिव नाल सांझी की खूबसूरत तस्वीर, की जा रही बेहद पसंद। निशा बानो ने सांझिया की तस्वीर, लग रही है बेहद खूबसूरत। प्रिंस नरूला ने नवजम्मी धी नाल मनाया जन्मदिन, सांझिया की खूबसूरत तस्वीर। रेशम सिंह अरमोल ने व्याह समागम चलाईया रौनक, अपने गीत से नचा दी नवी व्याई जोड़ी। कुलविंदर बिल्ला पहुंचे लखविंदर वडाली के शो च, सांझी की खूबसूरत तस्वीर। खान साहब मिलने पहुंचे झुग्गियां वाले बच्चों नूं, सारे नाल खिंचवाईआं फोटोआं। कैरी संधू ने एक बार फिर स्टेज से आई जैसमिन सैंडल्स की जा। गोविंदा दी नूं कश्मीरा शाह ने एक्सीडेंट तो बाद सांझी की वीडियो सेहत बारे दी जानकारी। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग एक बार फिर चोटी की पहुंचते गए हैं। बुमराह ने हाल ही ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पर्थ च खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन, कुल 8 विकेट लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी च गुजरात लिए खेड रहे उर्विल ने त्रिपुरा खिलाफ 28 गेंदा च सैकड़ा लगाया। टी20 क्रिकेट च सब तो तेज सैकड़ा लगाने वाले दुनिया के दूजे बल्लेबाज बन गए हैं, पर आईपीएल नीलामी च किसी ने उर्विल पटेल से बोली नहीं। एक रिपोर्टर मुताबिक भारत सरकार ऋषभ पंत को मिलने वाली रकम चो 8.1 करोड़ रुपए टैक्स वजो कटेगी। इस ऋषभ पंत के खाते च सिर्फ 18.9 करोड़ रुपए ही आएंगे। केकेआर की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 च स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदया, पर 2025 नीलामी विच दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उसनू 11.75 करोड़ रुपए खरीदया। इस तरह मिशेल स्टार्क नू मेगा नीलामी 13 करोड़ रुपए का नुकसान है। नागरिकों नू छेती ही QR कोड की सहूलत वाला नवा पैन कार्ड मिलेगा। इस विच टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सेवावां नू सोधिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले नू इसका बहुत फायदा होगा। यानी बुधवार को सेंसेक्स 230 अंक वाद के 80,234 से बंद होया। निफ्टी च भी 80 अंकों की तेजी वेखन मिली है, 24,274 से बंद होया। अज सेंसेक्स ने 23 शेयरों चो 16 च वाधा होया, 14 च गिरावट देखने मिली है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का IPO 29 नवंबर को खुलेगा। निवेशक इस इशू लिए 3 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुताबिक 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम कीमत 485 रुपए वध के 76,175 रुपए से पहुंच गई है। पहला इसकी कीमत 75,690 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने आज भारतीय बाजार में अपने दो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एक्टिवा ई और QCI का नवा खुलासा किया है। यह कंपनी का पहला इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन है। नाडा ने पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल लिए मुअत्तल कर दिया है। पुनिया ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के चोन ट्रायल दौरान डोप टेस्ट लिए अपना सैंपल देने तो इनकार कर दिया, जिस कारण उस विरुद्ध कार्रवाई हुई है।